भारत की आधी से ज्यादा आबादी रेल से सफर करती है क्योंकि ट्रेन में कम खर्च में लंबी दूरी तय करना आसान होता है। ट्रेन से रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा लोग सफर करते हैं। जहां एक ओर ट्रेन लेट या कैंसिल होने पर रिफंड मिलता है तो वहीं दूसरी तरफ टिकट कैंसिल कराने पर यात्रियों की जेब से चार्ज भी कटता है। IRCTC ने ट्रेन टिकट रिजर्वेशन के कुछ नियमों में बदलाव किया है। आइए जानते हैं बदले हुए नियम के चलते टिकट कैंसिल कराने पर आम आदमी की जेब से कितनी रकम कटेगी। अगर आप कंफर्म टिकट को ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे पहले तक कैंसिल कराते हैं तो फर्स्ट AC के 240 रुपए कटेगा, वहीं सेकंड AC के लिए 200 रुपए चार्ज लगेगा और थर्ड AC के लिए 180 रुपए चार्ज कटेगा, जबकि स्लीपर क्लास के लिए 120 रुपए और सेकंड क्लास के लिए 60 रुपए चार्ज कटेगा। ये चार्ज प्रति व्यक्ति होगा। अगर एक टिकट में 2 यात्रियों के रिजर्वेशन है तो दोनों का अलग अलग चार्ज कटेगा। ट्रेन के निर्धारित समय से 48 घंटे से लेकर 12 घंटे के बीच टिकट कैंसिल कराने पर टिकट की राशि का 25% चार्ज करता है और ये चार्ज समय के हिसाब से ज्यादा बढ़कर कटेगा। अगर आपने 12 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाया है तो आपको चार्ज 48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करवाने वाले से ज्यादा कटेगा। ट्रेन के समय से 12 घंटे से लेकर 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराने पर टिकट का 50% चार्ज लगता है, लेकिन इसमें शर्त ये है कि जो यात्री 12 से 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराएगा उसका चार्ज 48 घंटे तक टिकट कैंसिल करवाने वाले से ज्यादा लगेगा। यानी अगर कोई व्यक्ति ट्रेन के समय से मात्र 4 घंटे पहले टिकट कैंसिल कराएगा तो उसे कोई रिफंड नहीं मिलेगा। ट्रेन के डिपार्चर टाइम से 30 मिनट पहले REC टिकट कैंसिल कराने पर कैंसिलेशन चार्ज कटेगा और बाकी रिफंड वापस मिल जाएगा। अगर आपके पास ई टिकट है और अगर ट्रेन कैंसिल हो जाती है तो इसके लिए टिकट डिपॉजिट रिसिप्ट यानी TDR फाइल की जरूरत नहीं होती। आपका रिफंड अपने आप अकाउंट में आ जाएगा, वहीं काउंटर टिकट का रिफंड काउंटर से ही मिलेगा। अगर कोई ट्रेन अपने निर्धारित समय से 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है और आप यात्रा नहीं करना चाहते हैं तो आपको टिकट का पूरा रिफंड मिलेगा। अगर आपका ई टिकट वेटिंग में है तो आप उस टिकट से सफर नहीं कर सकते क्योंकि ई टिकट में वेटिंग पर यात्रा करना बिना टिकट माना जाएगा। वेटिंग वाला ई टिकट आसानी से कैंसिल हो जाता है और टिकट के पैसे अकाउंट में क्रेडिट हो जाते हैं। नए नियम के मुताबिक अगर आपके पास तत्काल का कंफर्म टिकट है और ट्रेन 3 घंटे से ज्यादा लेट हो और आप यात्रा नहीं करना चाहते तो आपको इसके लिए TRD फाइल करना पड़ेगा। वहीं ट्रेन के कैंसिल होने पर भी आपको TRD फाइल करना होगा, नहीं तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा।